आज हम टू बी कॉम कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बिजनेस इकोनॉमिक्स अर्थात व्यावसायिक अर्थशास्त्र की यूनिट फोर्थ का लास्ट चैप्टर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसे हम इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के नाम से भी जानते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इसको हिंदी में पैमाने की बचतें भी कहा जाता है। उत्पत्ति के पैमाने से आशय उत्पादन के आकार से लगाया जाता है। प्राचीन काल में जब आज के समान कल कारखानों तथा उत्पादन की तकनीकी का विकास नहीं हुआ था, तब उत्पादन का पैमाना सीमित था। उस युग की कल्पना करें जब पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था और यातायात के साधन नहीं थे। एक स्थान से दूसरे स्थान में लोगों का आना जाना बहुत कम होता था और उस समय व्यक्ति की आवश्यकताएं भी सीमित हुआ करती थी। वह अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को स्वयं अपने हाथों से बना लेता था। सभ्यता के विकास के साथ साथ बड़े पैमाने के उत्पादन का बोलबाला बढ़ने लगा। हम सामान्यतया उत्पादन के पैमानों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। दूसरा, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन को हिंदी में बड़े पैमाने का उत्पादन, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन को छोटे पैमाने का उत्पादन कहा जाता है। बड़े पैमाने के उत्पादन के संबंध में प्रोफेसर मार्शल ने लिखा है, बड़े पैमाने पर उत्पादन आंतरिक एवं बाह्य बचतों के कारण ही संभव हो पाता है। अल्पकाल में सीमित समयावधि के कारण उत्पत्ति के पैमाने उत्पादन तकनीकी तथा संगठन में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, किंतु दीर्घकाल में पर्याप्त समयावधि के कारण उत्पत्ति के सभी साधनों में समायोजन किया जा सकता है। दीर्घकाल में उत्पादक को उत्पादन आकार के विस्तृत होने के कारण संगठन तथा उत्पादन तकनीकी में सुधार होने के कारण विभिन्न प्रकार की बचतें प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम दो श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। फर्स्ट, इंटरनल इकोनॉमिक्स, जिसे हम आंतरिक बचतें भी कहते हैं। दूसरा, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, जिसे हम बाह्य बचतें के नाम से जानते हैं। तो पहला, इंटरनल इकोनॉमिक्स अर्थात आंतरिक बचतें।
इसी को हम लोग आंतरिक मितव्ययिताएं, क्या आंतरिक मितव्ययिताएं, बचतों को मितव्ययिताएं भी कहा जाता है। बड़े पैमाने के उत्पादन की आंतरिक मितव्ययिताएं उद्योग के भीतर ही प्राप्त होती हैं। इन बचतों के बारे में मार्शल का कहना है कि डबल कोट में आंतरिक मितव्ययिताएं वे हैं जो किसी एक फर्म को उसकी आंतरिक कुशलता तथा व्यवस्था आदि की श्रेष्ठता के कारण होती हैं। आंतरिक बचते वो बचते हैं जो किसी व्यक्तिगत फर्म के विस्तार के कारण उपस्थित होती हैं। जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाती है, आंतरिक बचते फर्म के अंदर ही उपस्थित होती हैं। आंतरिक बचते इस प्रकार फर्म के आकार का एक फलन है। उत्पादन के आकार में वृद्धि के कारण फर्म सभी उत्पत्ति के साधनों को विशिष्टीकरण नीति के अंतर्गत अधिक कुशलता के साथ प्रयोग कर सकता है। श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर तथा विशिष्टीकरण स्पेशलाइजेशन के प्रयोग से आंतरिक बचते उपस्थित होती हैं, जिससे दीर्घकालीन औसत लागत घट जाती है। प्रोफेसर कल्डोर तथा श्रीमती जान रविंसन ने साधनों की अविभाज्यता को आंतरिक बचतें उत्पन्न करने का कारण माना है। उनके अनुसार उत्पत्ति के कुछ साधन अविभाज्य होते हैं तथा उन्हें छोटी इकाइयों में प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे उत्पादन मात्रा को बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे इन अविभाज्य साधनों का अनुकूलतम प्रयोग संभव हो पाता है, जिसके कारण औसत लागत घटने लगती है। इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण के कारण बढ़ती हुई श्रम की सीमांत उत्पादकता, उचित प्लांट का प्रयोग होने के कारण उत्पन्न तकनीकी बचतें, टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक्स अविभाज्य साधनों का पूर्ण उपयोग बड़े पैमाने पर उत्पादन के कारण कम लागत पर उपलब्ध कच्चा माल आदि आंतरिक बचतें उत्पन्न करती हैं। इन्हीं आंतरिक बचतों के कारण LAC गिरने लगती है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, वह बचते वे बचते हैं जो उद्योग के विस्तार के कारण उपस्थित होती हैं तथा जिनका लाभ एक या दो फर्मों तक केंद्रित न होकर उद्योग के सभी फर्मों के लिए समान रूप से होता है। प्रोफेसर मार्शल ने वाह बचतों की विचारधारा प्रस्तुत की थी। उनके विचार में वाह बचतें उद्योग के आकार का फलन है। इस प्रकार वाह बचतें उद्योग की सभी फर्मों द्वारा, चाहे वो किसी भी आकार की क्यों ना हो, समान रूप से प्राप्त की जाती हैं। जैकब वाइनर ने वाह बचतों को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है। बाहरी बचतें वे बचतें हैं जो विशेष प्रतिष्ठानों को संपूर्ण उद्योग की उत्पादन मात्रा के विस्तार के कारण
प्राप्त होती हैं जो उनके व्यक्तिगत उत्पादन मात्रा से स्वतंत्र होती हैं। अन्य शब्दों में कहा जाता है कि जब उत्पादन मात्रा में वृद्धि की जाती है तो वह वस्तुओं के कारण प्रत्येक फर्म का लागत वक्र नीचे स्थानांतरित हो जाता है। इकोनॉमाइज ऑफ स्केल, इंटरनल इकोनॉमाइज को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण की बचतें। दूसरा, तकनीकी बचतें। तकनीकी बचतों के अंतर्गत प्लांट का अनुकूलतम प्रयोग, अविभाज्य साधनों का पूर्ण उपयोग, उत्पादन प्रक्रिया में बचे पदार्थ का प्रयोग करके। चौथा, संबद्ध प्रक्रियाएं। थर्ड है, प्रबंधकीय बचतें। इसके अंतर्गत कार्य कुशलता में वृद्धि हेतु प्रोत्साहन देकर। दूसरा है, कार्यात्मक विशिष्टीकरण। नेक्स्ट, विपणन की बचतें। नेक्स्ट, वित्तीय बचतें। और आखिर में है, जोखिम संबंधी बचतें। एक साथ कई वस्तुओं का उत्पादन करके हानि की संभावनाओं को न्यूनतम करना। इकोनॉमाइज ऑफ स्केल एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स को निम्नलिखित रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। पहला, कुशल श्रम का सस्ती दर में उपलब्ध होना, क्योंकि उत्पादकों के बीच प्रतियोगिता कम हो जाती है तथा वे योग्य श्रमिकों को सस्ती दर पर प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। परिवहन तथा संचार के साधनों का सुपयोगी विकास होने से यातायात लागत न्यूनतम हो जाती है। थर्ड, वित्तीय संस्थाओं का विकास, सस्ती दर पर साख की उपलब्धता। नेक्स्ट, एक क्षेत्र में अनेक उद्योगों का विकास, कच्चे माल की सहज उपलब्धता। नेक्स्ट, उचित प्रशिक्षण अथवा उचित प्रशिक्षण द्वारा श्रमिक की कार्य कुशलता में वृद्धि। अनुसंधान एवं व्यावसायिक पत्रिकाओं के प्रकाशन से सूचना संबंधी बचतों की प्राप्ति। अब डाइकोनॉमाइज ऑफ स्केल पैमाने की हानियां। एक सीमा के बाद जब उत्पादन मात्रा में वृद्धि की जाती है तो पैमाने की हानियां भी दो प्रकार की होती हैं, इंटरनल डाइकोनॉमाइज आंतरिक हानियां, एक्सटर्नल डाइकोनॉमाइज वाय हानियां। इंटरनल डाइकोनॉमाइज आंतरिक हानियों के उपस्थित होने का मुख्य कारण यह है कि जब उत्पादन का विस्तार होता है तो विस्तृत उत्पादन संगठन को नियंत्रण में रखना कठिन हो जाता है। बड़े संगठन की विभिन्न इकाइयों में सामंजस्यता स्थापित करना प्रबंध तंत्र के लिए असंभव सा हो जाता है। निरीक्षण करना अवरुद्ध होता है, जिसके कारण उत्पादन लागत बढ़ने लगती है, क्योंकि ऐसी दशा में साधनों का कुशलतम प्रयोग संभव नहीं हो पाता। इस प्रकार एक बिंदु के बाद एलएसी वक्र ऊपर चढ़ने लगता है, जो उत्पादन की अमित व्यय दशा को सूचित करता है। एक्सटर्नल डाइक इकोनॉमाइज वाय हानियां। बाहरी हानियां मुख्यतः उपयोग के विस्तार के कारण विभिन्न साधनों की बढ़ती हुई मांग के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। जब उद्योग का विस्तार होता है तब कुछ उत्पत्ति के कारण साधनों की मांग बढ़ जाने के से वो दुर्लभ हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी कीमतों में भी वृद्धि हो जाती है। साधनों की बढ़ती हुई कीमत समान रूप से उद्योग की सभी फर्मों के लागत वक्रों
को ऊपर उठा देगी। साधनों की सीमितता उद्योगों की फर्मों के मध्य स्पर्धा कंपटीशन उत्पन्न करेगी, क्योंकि प्रत्येक फर्म दुर्लभ साधनों को अपने उत्पादन में आकर्षित करने के लिए उन साधनों को ऊंचा मूल्य देकर दूसरी फर्मों से तोड़ने का प्रयास करेंगी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उत्पादन का एक सीमा के बाद विस्तार से आंतरिक एवं बाह्य हानियां उत्पन्न होती है, जिसके सम्मिलित प्रभाव से दीर्घकालीन लागत बढ़ने लगती है। इस तरह निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि उत्पादन के पैमाने को एक सीमा तक बढ़ाने पर ही बचतें प्राप्त होती हैं। यदि उत्पादन को इस सीमा से आगे बढ़ाया जाता है तो बड़े पैमाने के उत्पादन को प्राप्त होने वाली बचतें अबचतों में बदल जाती हैं। धन्यवाद। फोर्थ यूनिट आज आपकी खत्म होती है। इसमें कहीं कोई समस्या हो तो आप लोग जरूर मुझसे कांटेक्ट करिएगा, और नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उस पे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।